मैथ मैजिक वर्कबुक क्लास 4 चैप्टर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट पार्ट 2 8 क्वेश्चन है। फिल इन द एम्प्टी स्पेस इन द टेबल एंड राइट द आंसर द फॉलोइंग द क्वेश्चन। यहाँ पे जो टेबल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट में तो नंबर डाले हुए, फिर नेम ऑफ द प्लांट्स है, यहाँ पे तुलसी, नीम, मैंगो ट्री, बम्बू और रोज़। हाइट ऑफ लास्ट वन सेंटीमीटर, यानी जो इन प्लांट है उनका लास्ट में कितने सेंटीमीटर था, तो 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12, 20 और 31 था। उसके बाद हाइट ऑफ दिस मंथ, और इस मंथ उनकी हाइट कितनी बढ़ी, तो 7, 14, 16, 36 और 32 बढ़ी। तो ये इन दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे इंक्रीज इन द हाइट सेंटीमीटर लिखा हुआ है। पहले इनकी 5 थी, उसके बाद 7 हुआ, तो 2 सेंटीमीटर तुलसी की हाइट है वो इंक्रीज हुई। नीम की पहले 10 थी, उसके बाद 14 हुई, तो 4 सेंटीमीटर इंक्रीज हुई। मैंगो ट्री की 12 थी, उसके बाद 16 हुई, तो 4 सेंटीमीटर इसकी भी बढ़ी। बम्बू की 20 थी, उसके बाद 36 हुआ, यानी 16 यानी 16 सेंटीमीटर की हाइट बढ़ी, इंक्रीज हुई। रोज़ 31 था, उसके बाद 32 हुआ, यानी इसका 1 सेंटीमीटर ही हाइट बढ़ी रोज़ की। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाइट ऑफ द विच प्लांट्स इंक्रीज्ड द मोस्ट, यानी जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ उस प्लांट का नाम लिखना है। तो सबसे पहले इंक्रीज हुआ था बम्बू, जो पहले 20 था, उसके बाद 36 हुआ, यानी 16 यानी 60 सेंटीमीटर वो बढ़ा। तो यहाँ पे बम्बू लिख देंगे और यहाँ पे 60 सेंटीमीटर लिखेंगे। हाउ मच, यानी 60 सेंटीमीटर कितना बड़ा, तो 60 सेंटीमीटर। बी है हाइट ऑफ विच प्लांट इंक्रीज्ड द लेस्ट, यानी जो सबसे कम बड़ा वो है रोज़। रोज़ है वो 31 था, 32 हुआ, यानी 1 सेंटीमीटर ही वो बड़ा। तो यहाँ पे रोज़ लिख देंगे और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। हाउ मच, यानी 1 सेंटीमीटर। हाउ मच मोर हैज़ बम्बू ग्रो देन द मैंगो ट्री, यानी मैंगो ट्री से बम्बू ट्री है वो कितना ग्रो हुआ। तो मैंगो ट्री तो पहले 12 था, उसके बाद 16 हुआ, यानी 4 सेंटीमीटर बड़ा, और बम्बू है वो 16 सेंटीमीटर बड़ा। तो 16 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना बड़ा बम्बू, बम्बू है वो 12 सेंटीमीटर बड़ा। 16 में से 12, 4 माइनस किया तो 12 सेंटीमीटर वो बड़ा बम्बू ट्री। हाउ मच लेस हैज़ तुलसी ग्रोन देन नीम, जो नीम ट्री है वो तुलसी से कितनी बड़ी, तो तुलसी है वो 2 सेंटीमीटर बड़ी और नीम है वो 4 सेंटीमीटर बड़ी। तो नीम है वो तुलसी से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ी, 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो बचेगा 2, तो 2 सेंटीमीटर बड़ा। व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन इंक्रीज्ड इन हाइएस्ट ऑफ तुलसी एंड रोज प्लांट। अब यहाँ पे तुलसी और रोज़ के बारे में बताया गया है, तुलसी है वो 2 सेंटीमीटर बड़ी और रोज़ है वो 1 सेंटीमीटर बड़ी। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, तो यहाँ पे अपने लिख देंगे 1 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस के बारे में बताया गया है, यहाँ पे होम है, होम से अगर टेम्पल जाएंगे तो 5 किलोमीटर, टेम्पल से मार्केट जाएंगे तो 3 किलोमीटर, और मार्केट से बस स्टैंड जाएंगे तो 8 किलोमीटर, और बस स्टैंड से स्कूल जाएंगे तो 6 किलोमीटर। किसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये फील करना है। तो फर्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, या होम से लगाकर आपको स्कूल तक टोटल कितना डिस्टेंस है। तो 5, 3, 8 और 6, इन सबको प्लस करना है तो 22 किलोमीटर आ जाएगा। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट टू स्कूल, यानी मार्केट से स्कूल कितना दूर है, तो 8 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 14 किलोमीटर आ जाएगा। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम टेम्पल टू बस स्टैंड, यानी टेम्पल से बस स्टैंड कितना दूर है, तो 8 किलोमीटर और 3 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 11 किलोमीटर आ जाएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम टेम्पल स्कूल, टेम्पल से स्कूल, एंड द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम बस स्टैंड टू स्कूल। टेम्पल से स्कूल है वो कितना है, तो 3, 8 और 6, इनको प्लस करेंगे, 8 और 3, 11 हो जाएगा, 11 और 6 हो जाएगा 17, और बस स्टैंड से स्कूल है 6 किलोमीटर, तो 17 में से 6 हम माइनस कर देंगे तो बचेगा 11, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 11 किलोमीटर। उसके बाद है ऐड करना है, यानी प्लस करना है इनको, सेंटीमीटर सेंटीमीटर को, 0, 0 को 0, 3 और 4, 7, 7, 0 सेंटीमीटर, 5, 5 और 2, 8, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर लिख दिया, 5, 8 और 5 और 5 और 2, इन सबको प्लस करना है।
और इनको करना है सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट यानी माइनस, घटाना है इनमें, आपको माइनस करना है। इसमें भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखना है, 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, और 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 34 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी माइनस करना है, सभी जगह माइनस ही करने हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम्स, अब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला है मनीष इज 150 सेंटीमीटर टॉल, लंबा है। हिज सिस्टर इज 170 सेंटीमीटर टॉल, हु इज़ टॉलर फ्रॉम बॉथ, हाउ मच, यानी दोनों के बारे में बताया गया कि कौन लंबा है और कितना लंबा है। तो मनीष है वो 150 सेंटीमीटर लंबा है और उसकी सिस्टर है वो 170 सेंटीमीटर लंबी है। तो मनीष 150 सेंटीमीटर, ही सिस्टर 170 सेंटीमीटर, तो दोनों को 150 में से 170 माइनस कर देंगे तो 33 सेंटीमीटर हो जाएगा। और मनीष है वो कितना लंबा है, 33 सेंटीमीटर है, वो अपनी सिस्टर से लंबा है। इस तरह से सॉल्व करेंगे। दूसरा है सुरेश इज़ 1 मीटर 24 सेंटीमीटर टॉल, मनीष ही इज़ 15 सेंटीमीटर शॉर्टर देन हिम, तो व्हाट इज़ द टोटल हाईएस्ट टोटल हाइट ऑफ बोथ ऑफ देम। तो यहाँ पे सुरेश के लिए बताया है, सुरेश मीटर और सेंटीमीटर लिख देंगे। सुरेश है वो 1 मीटर और 24 सेंटीमीटर है, और मीनल है वो 50 सेंटीमीटर है, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 मीटर और 9 सेंटीमीटर आ जाएगा हाइट हो जाएगी। सो मिनल की हाइट हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो नाउ टोटल हाइट कितनी हुई, 1 मीटर 24 सेंटीमीटर, 1 मीटर 24 सेंटीमीटर, और प्लस करेंगे 1 मीटर और 9 सेंटीमीटर, ये वाला दोनों के अकॉर्डिंग प्लस करेंगे तो दोनों की बोथ होगी, दोनों का प्लस होगा 2 मीटर 33 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट ऑफ बोथ, दोनों की टोटल हाइट हुई 2 मीटर 33 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है सुनील इज़ गोइंग टू अहमदाबाद 25 किलोमीटर, अहमदाबाद गया सुनील है वो, 25 किलोमीटर फार फ्रॉम ए प्लेस। एंड नरेन इज़ गोइंग टू मेहसाना 45 किलोमीटर फार फ्रॉम द सेम प्लेस, बोथ आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू मेहसाना, यानी आपको बताना है कि अहमदाबाद से मेहसाना कितना दूर है। तो अहमदाबाद सुनील और नरेन, सुनील गया 25 किलोमीटर, नरेन है 45 किलोमीटर, और ये मेहसाना, ठीक है, अहमदाबाद से मेहसाना कितना डिस्टेंस है, तो आओ डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू मेहसाना तो 25 किलोमीटर प्लस 45 किलोमीटर, तो 70 किलोमीटर आ जाएगा, दोनों को प्लस कर लेंगे तो 70 किलोमीटर आ जाएगा। द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग जंप फॉर चिल्ड्रन आर अस बिलो, एंसर फ्लोइंग क्वेश्चन ऑन इट्स बेसिस। पिंटू लॉन्ग जंप इज ए लॉन्गेस्ट 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर, राजू इज एट सेकेंड पोजिशन, हिज जंप इज 30 सेंटीमीटर लेस देन पिंटूज, यानी जो यहाँ पे तीन लड़के बताए, और गुड्डू इज एट थर्ड पोजिशन, जंप इज 10 सेंटीमीटर लेस देन राजू इज, पिंटू है उसके बाद राजू है और गुड्डू है। तो पिंटू ने जंप किया 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर, और राजू है वो सेकेंड पोजिशन पर आया, और उसने पिंटू से 3 सेंटीमीटर कम है, कम जंप किया, इसलिए वो सेकंड पोजीशन पे आया। गुड्डू है वो थर्ड पोजीशन पे आया, उसने राजू से भी 10 सेंटीमीटर लेस देन किया, मतलब उससे भी कम। तो क्वेश्चन पहला है कि हाउ लॉन्ग इज राजू इज जंप, कि राजू ने कितना जंप किया, तो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। राजू के बारे में बताया, तो राजू ने जंप किया सेकेंड पोजिशन पर था, तो सबसे हाईएस्ट कौन था, 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर आंसर आएगा। उसके बाद लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज गुड्डू इज जंप, गुड्डू ने कितना किया, तो वो थर्ड पोजीशन पे था, तो 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर में से हम 10 माइनस करेंगे, यानी पिंटू से भी राजू से भी, राजू का कितना आया 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर में 10 माइनस करेंगे तो 3 मीटर
10 सेंटीमीटर आ जाएगा। और हाउ लॉन्ग इज पिंटू इज जंप देन गुड्डू इज जंप, यानी गुड्डू के जंप से उसने कितना हाई किया था, तो गुड्डू का जंप कितना है, 3 मीटर और 10 सेंटीमीटर आया यहाँ पे, तो उसमें तो वो उसने तो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर जंप किया पिंटू ने, तो 40 सेंटीमीटर उसने ज़्यादा जंप किया पिंटू ने गुड्डू से। वॉट इज़ द डिफरेंट बिटवीन राजू जंप एंड पिंटू जंप, राजू के जंप से और पिंटू के जंप में कितना डिफरेंस है, तो 30 डिफरेंस है। राजू का है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर और पिंटू का है 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर में से 3 मीटर 20 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर, आपको पिक्चर को देखकर एक क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये मिनल और बिनल ये दोनों हैं जो 6 सेंटीमीटर चल रही है, और जिनल है वो 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, पायल है वो 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो हाउ फार इज जिनल फ्रॉम पायल, जिनल एरी और पायल एरी, जिनल और पायल के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ पे लिखा है 3 मीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम 3 सेंटीमीटर फिल करेंगे। हाउ फार ए हेड इज जिनल फ्रॉम मिनल एंड बिनल, और ये जिनल मिनल और बिनल दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 6 मीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे 6 मीटर लिखेंगे। थर्ड है हाउ फार इज मिनल एंड बिनल फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन, आपको फिनिशिंग लाइन करनी है। फिनिशिंग लाइन तो यहाँ तक आती है, ये रही फिनिशिंग लाइन, तो मिनल और बिनल पहले 6 मीटर फिर 3 मीटर और फिर 6 मीटर, इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 15 मीटर। डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ द लेंथ ऑफ स्टेडियम टार्क एंड राउंड द रन कंप्लीटिंग 40 किलोमीटर मैराथन रेस आर गिवन बिलो ऑन इट्स फिल इन द एम्प्टी स्पेस इन द टेबल, यहाँ पे जो टेबल दे रखा है उसमें जो स्पेस दे रखी है उसमें फिल करना है, और यहाँ पे कितना है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर को हम पहले यहाँ पे लेंथ ऑफ है स्टेडियम टार्क मीटर में दे रखा है, ठीक है, तो ये 40 किलोमीटर को हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 1000 किलोमीटर, या 1000 किलोमीटर बराबर 1 मीटर होता है 1000 मीटर होता है, तो 40 किलोमीटर का हो जाएगा 40,000, कितना हो जाएगा 40,000 मीटर, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। तो पहला है 4000 है, तो 40,000 डिवाइड 4000, 0 0 0 को कट कर देंगे, बचेगा 4 4 10 के टेबल, 4 10 जा 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 आ गया आंसर। उसके बाद दूसरा है 5000, 5000 तो 40,000 डिवाइड 5000 कट करेंगे इसको, 5 के टेबल में 14 आता है, 8 बार 8 बार, तो यहाँ पे 8 कर दिया। उसके बाद इसको भी इसी तरह से करेंगे, तो यहाँ पे 5 है तो 14,000 डिवाइड 5 कर दिया, तो यहाँ पे तो रहेगा तो 1 8, यानी 8,000 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8,000 आ गया। यहाँ पे 20 है, 2,000 है, और 2,000 तो 40,000 डिवाइड 2,000 कट कट करो, ये 20 आ गया, तो यहाँ पे 20 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 4 है, तो 40,000 डिवाइड 4 करेंगे, तो यहाँ पे 10 करेंगे, और पीछे 3 0 है तो 3 0 लिखा देंगे, तो 10,000 हो जाएगा। उसके बाद 1,000 है, तो 40,000 डिवाइड 1,000 करेंगे, कट कर देंगे 3 0 को, बचेगा कितना 14, तो यहाँ पे 14 लिख दिया। उसके बाद 2 है, तो उसी को भी इसी तरह से करेंगे, 40,000 डिवाइड 2, तो 2 में हम करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो पीछे 3 0 लगा देंगे तो 20,000 यहाँ पे फिल कर देंगे, इस तरह से हम फिल करेंगे।
किलोमीटर को हम मीटर में किया इसलिए 40,000 आया। मैच द फ्लोइंग राइट द ऑर्डर अल्फाबेट ऑफ सेंटेंस सेलेक्शन बी एंड एम द स्पेस द आंसर, कि आपको करना है ए और बी में और यहाँ पे आंसर फिल करना है, मैच करना है। वैसे 66 मीटर यहाँ पे दे रखा है, 66 मीटर, तो इसमें से आंसर कौन सा आएगा? तो 66 मीटर को हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 66 मीटर मल्टीप्लाई 100 तो आ जाएगा 6,600 सेंटीमीटर। ये आंसर कहाँ पे आ रहा है? 6,006, ये रहा सी ऑप्शन, तो यहाँ पे हमने सी लिख दिया। उसके बाद है 6 मीटर और 60 सेंटीमीटर, तो 6 को हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 6 इंटू डिवाइड तो 100 कर लेंगे तो 600 हो जाएगा, और ये 60 तो है ही तो इंटू 60 कर देंगे तो बराबर प्लस प्लस 60 कर देंगे तो 660 हो जाएगा, तो 660 ये रहा, तो ई वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे। थर्ड है 6 किलोमीटर और 60 मीटर, तो किलोमीटर को भी हम करेंगे मीटर में तो 6 किलोमीटर में करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 हुआ तो यानी 6000 हो गया, फिर प्लस करेंगे पीछे कितना है 60 मीटर, 60 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 6060 मीटर, तो 6060 मीटर है यहाँ पे, ये रहा एफ पे, एफ है तो एफ यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद है 606 मीटर, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो वही 600 डिवाइड 100 तो आ जाएगा 60,600, ये ए वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद है 6 मीटर, तो किलोमीटर को हम मीटर में करेंगे तो 1000 करेंगे, 6 डिवाइड 1000, 6000 प्लस 6 6006 हो जाएगा, तो एफ नहीं ये वाला बी बी वाला फिल करेंगे। उसके बाद है 60 मीटर को हम करेंगे सेंटीमीटर में तो 60 मल्टीप्लाई 100 यानी 6000 सेंटीमीटर हो जाएगा प्लस 60 सेंटीमीटर, तो 6060 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डी, डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से फिल करना है।